आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है संगठनात्मक उद्देश्यों का संबंध है। तो संगठनात्मक उद्देश्यों का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन में दिया गया कौशल से, हृदय से, मस्तिष्क से, हाथों से। तो दोस्तों संगठनात्मक उद्देश्यों का संबंध जो है मस्तिष्क से है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं संगठनात्मक विकास शब्द का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है। तो दोस्तों संगठनात्मक विकास शब्द का प्रयोग जो है मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आता है। ठीक है, अब दोस्तों बाल विकास के संदर्भ में संगठनात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। जब कक्षा में शिक्षक न हो तो बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है। भाषा की कक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। महंगे और टिकाऊ अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री जो है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो श्रव्य सहायक सामग्री, जिसमें दोस्तों मौखिक उदाहरण, रेडियो, टेप, रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब आ जाते हैं श्रव्य सहायक सामग्री में। ठीक है, दूसरा दोस्तों दृश्य सहायक सामग्री, जिसमें श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्लोब, पोस्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सब भी आ जाते हैं। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री जो तीसरा नंबर का है, चलचित्र आ गया, इसमें नाटक आ गया, कठपुतली आ गया, टेलीविजन, ये सभी दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, कथन किसका है? ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर राधाकृष्ण, महात्मा गांधी, टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्वामी विवेकानंद की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? ऑप्शन में दिया गया है विद्यार्थियों को कक्षा में बैठाकर रखना, गृह कार्य देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान है। ऑप्शन में दिया गया शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव व्यवहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहां, ऑप्शन में दिया गया पारिवारिक अनुशासन कड़ा है, खेलने और गाने की आजादी है, उनकी भाषा पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का समान है, पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता है। तो दोस्तों बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहां पर दोस्तों खेलने और गाने की आजादी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि खेल कूद से बच्चों को क्या होता है। तो खेल कूद से बच्चों को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की कला सिखाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है। तो दोस्तों वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो असत्य बताना है कौन सा विकल्प असत्य है। ऑप्शन में दिया गया सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी सही है। सीखने से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं जो है असत्य है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आर एम ए से है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म बताना क्या है? तो आर एम एस ए जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक अभियान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आर एम एस ए जो है कब शुरू की गई थी? तो मार्च 2009 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सीसीई का तात्पर्य है। तो सीसीई का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया क्लस्टर सेंटर फॉर इवेल्युएशन, करिकुलम एंड इवेल्युएशन काउंसिल, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इनमें से सभी। तो दोस्तों सीसीई का तात्पर्य होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब दोस्तों सीसीई जो है छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है, जो 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत
यह एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत है? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो है दिए गए विकल्प में कौन सा असत है बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है यह जो है शिखा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ये दोस्तों सही है। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसका प्रकाशन यानी ब्लूम की टैक्सोनॉमी का प्रकाशन जो है 1966 में नहीं हुआ था, ठीक है, 1956 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो असत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में से जो है शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में दिया गया भू जल संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, सामग्री संबंधित संसाधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भू जल संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ऑप्शन में दिया गया जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कार्यक्रम कब शुरू हुआ है, ऑप्शन में दिया गया 1986, 1987, 1992, 1996। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? ऑप्शन में दिया गया विद्यालय समय से शुरू, बंद कक्षा में एक के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, अंतिम घंटी में खेलकूद, कला एवं संस्कृति गतिविधियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि समझे सीखे कार्यक्रम का प्रमुख बिंदु है कौन कौन से बिंदु है जो ध्यान रखेगा। तो दोस्तों विद्यालय समय पर शुरू, बंद समय पर, चेतना सत्र का आयोजन, हर एक बच्चा एवं शिक्षक विद्यालय के समय विद्यालय में उपस्थित, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विद्यालय के सभी वर्ग कक्षाओं में सैंपल का पूर्ण उपयोग, अंतिम घंटी में खेलकूद, कला तथा सांस्कृतिक गतिविधियां का आयोजन, ये सभी दोस्तों समझे सीखे कार्यक्रम का प्रमुख बिंदु है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है, लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणीय अशुद्धियां भी है, राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी? ऑप्शन में दिया गया आपका व्याकरण संबंधित ज्ञान काफी कमजोर है, लेख लिखने के पूर्व वर्तनी संबंधित ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले, आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियां से भरी है, आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणीय अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो राजू के लिए जो है कौन सा टिप्पणी उचित है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, आपने जो है निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणीय अशुद्धियां जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने का आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक है? तो दोस्तों उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया फ्रीडरिक फ्रोबेल, फ्रांसिस बेकन, पौलो फ्रेरे, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पौलो फ्रेरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक साथी है? तो शिक्षक साथी जो है ऑप्शन में दिया गया है शिक्षण सहयोगी संदर्शिका से, शिक्षक सहयोग संदर्शिका, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का गैर सरकारी मंच, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका। तो दोस्तों शिक्षक साथी है शिक्षण सहयोग संदर्शिका से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो दोस्तों बताना कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है। ऑप्शन में दिया गया केंद्र, राज्यों की समवर्ती सूची, मूल अधिकार, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर भाग पूछा गया, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया अधिकार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल अधिकार। जो मूल अधिकार किस भाग में दिया गया है, तो भाग 3 में दिया गया है, और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में विवरण किया गया। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कीजन देशों निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है? तो कौन जो समाजीकरण का सक्रिय या एजेंसी या माध्यम नहीं है, ऑप्शन में दिए गए परिवार, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, धार्मिक संस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी या कारक कौन कौन होते हैं। तो परिवार होते हैं, आसपास पड़ोस, विद्यालय, मित्रगण, ठीक है, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? इनमें से कौन जो आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है, ऑप्शन में दिया गया व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, शिक्षकों द्वारा आकलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा आकलन। ठीक है, अब दोस्तों आकलन करने के चार मूलभूत तरीके हैं, कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन और स्व आकलन। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, इससे संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन है? तो गलत विकल्प बताना इनमें से कौन है। ऑप्शन में दिए गए बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, कक्षा में चल रहे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना, बच्चों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर कराना और स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन में दिया गया मातृभाषा, विदेशी भाषा, अकादमिक भाषा, मानक भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मातृभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन में दिया गया सामाजिक, जैविक, भाषाई, सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों दो संख्या की बात किया जा रहा है, तो दो संख्याओं का योग दिया गया है कितना, 14 दिया गया है। ठीक है, और अंतर दिया गया है यानी x माइनस वाई बराबर 10 दिया गया है। अब समीकरण 1 और 2 हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 अगर जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस माइनस वाई कट जाएगा तो 2x बच जाएगा। ठीक है, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा, काट देंगे तो 12 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो किसी एक में वैल्यू रख देंगे x का, यानी इसी में रख देते हैं तो x का वैल्यू रखेंगे तो 14 में घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल निकालना, तो दोनों को गुणा कर देंगे 12 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। तो दोस्तों बताना है कि उन सभी अभाज्य संख्या का योग निकालना है जो 31 से कम है, यानी 31 से कम सभी अभाज्य संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ने पर दोस्तों 129 आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है? तो कौन सी संख्या जो है 24 से पूर्णतः विभाज्य है बताना है। ठीक है, तो 24 से विभाज्य करने के लिए दोस्तों अगर 8 और 3 से विभाज्य हो जाएगा, कोई भी संख्या अगर 8 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा तो 24 से भी वह संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 8 से विभाज्य करने के लिए क्या कंडीशन है, तो अंतिम तीन अंक लगे और वह जो है तीन अंक की बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगा। तीन से क्या कंडीशन है, तो तीन से कंडीशन है दोस्तों कि दिए गए संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो आएगा जो वह जो है तीन से अगर विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या पूरी से पूरी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो पहला ऑप्शन का तीन अंक लास्ट के लेंगे तो 8 से दोस्तों ये पूरी विभाजित हो रहा है। ठीक है, और तीन से विभाजित करने के लिए सभी को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने पर दोस्तों कितना आ जा रहा है, 27 आ रहा है, 27 जो है तीन से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो 8 और 3 से दोनों से विभाजित जो है पहला ऑप्शन हो रहा है, तो 24 से भी हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों किसी भी तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। तो तीन लगातार प्राकृत संख्या, तो मान लेंगे दोस्तों पहला प्राकृत संख्या x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 हो जाएगा गुने 2 हो जाएगा गुने 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अगर x बराबर 2 लेते हैं तब कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 2 4 हो जाएगा, यानी 4 दिया 12, 12 दुनी 24, यानी दोस्तों 600 जो है विभाज्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 5, 8, 15 का चौथी अनुपातिक क्या होगा? तो 5, 8, 12 का चौथा अनुपातिक बताना है, यानी 5:8 डबल रेशियो मानेंगे। ठीक है, 15:x मान लेंगे चौथा अनुपात। अब 5/8 करेंगे और डबल रेशियो जो है बराबर हो जाएगा 15/x हो जाएगा,
पांच या पंद्रह और एक बराबर कितना हो जाएगा आठ या चौबीस, चौबीस उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छह सौ चौसठ का 60% समान है, तो 664 का 60% जो इनमें से कौन समान है। तो दोस्तों अगर सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जो आएगा और इसमें जो इसके बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी 24 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों 24 मीटर पूरब चल रहा है, पूरब इधर है 24 मीटर चल रहा है, और 10 मीटर जो है उत्तर चलता है, 10 मीटर इधर हो गया उत्तर। अब वह जो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अनेक कितनी दूरी पर है बताना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंब आधार कर्ण हो गया, ठीक है, तो कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर एक्स मान लेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 1300, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 500, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। अब स्क्वायर यदि इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट 676, और 676 को रूट से बाहर करेंगे तो 26 का हो जाएगा। ठीक है, तो 26 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 15% की हानि से बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो साइकिल का विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस दे दिया गया, लॉस दिया गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 - लॉस/100 होता है, और वैल्यू रख देंगे 1400 × 1 - 15/100 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 15 और 20 × 100 हो जाएगा, 1400 गुने कर देंगे 20 में से 3 गया 17/20, काट देंगे दोस्तों 20 × 25 100, यानी 70 बार में कट जाएगा। ठीक है, 70 बार में कट रहा है, 70 × 17 करेंगे 17 × 17 हो गया 119 और 1 0 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले 40 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 इसी प्रकार दोस्तों 40 तक का निकालना है औसत। ठीक है, तो अगर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पहले 40 प्राकृतिक संख्या, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, तो 1 + 40/2 करेंगे, तो 40 × 41/2 हो गया, यानी 20.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करती है, किलोमीटर पर घंटा में उसकी चाल क्या होगा। अरे चाल निकालना है, दिया गया समय और दूरी, तो चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस है 200 मीटर और समय है 24 सेकंड। ठीक है, काट देंगे तो 2 बार में कटेगा 12 और ऊपर 100 हो जाएगा, फिर काटेंगे 25 × 100, 3 × 12 यानी 25/3 आ गया मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे तो 3 × 6 = 18, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ए अकेले उसी काम को कितने क्वेश्चन है दोस्तों ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी दोस्तों ए और बी, यानी ए प्लस बी बराबर 15 दिन, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में कर रहा है तो 20 दिन में, दोनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 15 को 15 से 60 में भाग देंगे तो 15 × 60, 20 से भाग देंगे 60 में तो 20 × 60 निकालना है दोस्तों ए का अकेला, तो दोनों का क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, अंतर कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 1 हो गया, और 1 जो आ गया दोस्तों 60 में भाग देंगे, 60/1 हो जाएगा तो 60 हो गया, 60 दिन में जो है ए अकेले उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत की परिमिति 48 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर दोस्तों आयत का क्षेत्रफल निकालना है, दिया गया दोस्तों परिमिति दिया गया है, और यहाँ बोल रहा है दोस्तों लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोस्तों चौड़ाई मान लेंगे x, चौड़ाई मान लेंगे x, तो लंबाई कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, परिमिति दिया गया है, तो आयत की परिमिति क्या होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, लंबाई कितना है x + 2, चौड़ाई कितना x है, बराबर कितना करेंगे 48, 24 × 48 कट गया, यानी x + x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, +2 इधर जाएगा घट जाएगा 24 में, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 12 × 2 = 22, यानी x बराबर निकल कर आ गया 11, अब x बराबर 11 यानी चौड़ाई आ गया 11, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 12 + 2 करेंगे, ये लंबाई हो जाएगा 12 + 2 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है एल गुने बी, एल का वैल्यू कितना आया 13 आया, बी का वैल्यू कितना है 11, अब गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 143 आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं, तो दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसका प्रतिशत निकालना है, तो 3/24 करेंगे, एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। ठीक है, गुने 100 कर देंगे,
तीन अट्ठे 24, 25 चौके 100, 2 चौके 8, 25/2 हो गया। ठीक है, अब इसी को पूर्णांक में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक घर में कितने सतह होते हैं, तो एक घर में कितने सतह होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 सतह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4500 कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5715 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, समय दिया गया है, निकालना है दोस्तों दर निकालना है। ठीक है, दर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, पी इक्वल टू होता है ए इंटू 100/100 प्लस आर टी होता है। पी का वैल्यू मालूम है 4500, ए का वैल्यू मालूम है 5715, टी का वैल्यू मालूम है 3, आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9% आएगा। ठीक है, तो 9% इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह कौन है। अब यहाँ पर दोस्तों ए बी देखते हैं तो लगातार आ जा रहा है सी डी एफ जी आई जे। ठीक है, अल्टरनेट में अभी एन ओ पी, यहाँ पर एन ओ पी आ रहा है। ठीक है, 2 प्लस में हो जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों पी क्यू, पी क्यू लगातार आ जा रहा है प्लस वन में, एस टी बी डब्ल्यू, तो आंसर ए हो जाएगा जो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों नीचे दिए गए आरेख द्वारा संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, तीनों संघ में सदस्य की संख्या क्या होगा, तो तीनों में कौन सी संख्या है, तो 7 है। ठीक है, तो 7 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यदि सी ए टी को एक कुल भाषा में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उसी कुल भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो दोस्तों सी का कितना होता है, 3 होता है, सी का ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, इसी प्रकार एन का कितना होगा, 14, ए का 1, और भी का कितना हो जाएगा, तो दोस्तों भी का हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, आई का कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो दोनों ओर से 5वां स्थान पर है, तो 5 प्लस 5 करेंगे और -1 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, तो नीचे दिए गए आकृति में बताना कितने त्रिभुज है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है क्वेश्चन उचित संख्या भरकर श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है तो 3 को देखेंगे 4 से, तो 3 4 4 5 5 6 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 1 2 2 4, 4 के बाद कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उचित संख्या भरकर श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पर उचित संख्या भरकर श्रृंखला पूरा करना है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, दोनों को जोड़ते हैं 20 आ जाता है, इसी पर 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 प्लस करते हैं तो 90 आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो यदि दक्षिण पश्चिम जो पूर्व हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो दोस्तों दक्षिण हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान को भरकर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो क्या किया गया दोस्तों, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 4 1 5 8 6 1 14 145। अब दोस्तों 9 8 17, 9 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 17 जोड़ेंगे तो 7 5 12 6 1 162 आ जा रहा है। ठीक है, इसी पर दोस्तों 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, 8 का 64 प्लस करेंगे 13 का स्क्वायर 169 और 8 प्लस 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 प्लस 13 कितना होता है, 21 हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 12 1 13 14 14 15 हो जाएगा और 1 1 2 यानी 254, तो 254 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।